फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेंगी बार। आज हम अलग अलग फ्लेवर से टेंगी बार बनाएंगे, जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर ले। टेंगी बार बनाने के लिए हम अलग अलग फ्लेवर का बना सकते हैं एक ही सिरप से। मैंने यहाँ हाफ कप लिया है शुगर, आधा कप लिया है शुगर, दो कप लेंगे हम पानी, दो कप पानी लिया है। अब इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, नींबू सर्प एक चम्मच, वन टीस्पून लिया है, एक छोटी चम्मच भर के सिट्रिक एसिड, हल्का हल्का खट्टे के लिए। अब इसे उबाल लेते हैं। हमें इतना ही उबालना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, चीनी भी अच्छे से घुल गई है। एक दो उबाल ले लेंगे, इसमें दो से तीन उबाल आने देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ मिक्सी का बड़ा, थोड़ा मीडियम साइज का जार लिया है। इसमें हम डालेंगे चार चम्मच भर के लिया है मैंने यहाँ मिल्क पाउडर, मिल्की टेस्ट देने के लिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो सिरप हमने रेडी किया है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, हमें इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करके हम इसमें डाल देंगे। इसे एक से दो बार घुमा लेते हैं, चला लेते हैं मिक्सी को, ताकि मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए, मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे चार अलग अलग बाउल में डाल रही हूँ। हम चार फ्लेवर बना रहे हैं, आप चाहे कितने भी फ्लेवर इसी से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने चार अलग अलग बाउल में डाल लिया है। अब चारों के मैं अलग अलग कलर डाल रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ ऑरेंज, लेमन येलो, इसमें डाल रही हूं मैं रेड, ग्रीन, देखिए चारों कलर मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है, ऑरेंज, येलो, स्ट्रॉबेरी कलर, रेड कलर और यहाँ ग्रीन कलर। अब इसमें डालेंगे हम फ्लेवर। अब इसमें डालेंगे ऑरेंज एक चौथाई चम्मच, ऑरेंज फ्लेवर। इसमें डालेंगे हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सेम डालना है एक चौथाई चम्मच, छोटी एक चौथाई चम्मच। अब ग्रीन कलर में डालेंगे हम खस एसेंस, ये देखिए एक चौथाई। इस तरह से आप बहुत सारे फ्लेवर बना सकते हैं एक ही सिरप से, अलग अलग तरह के टेंगी बार बना सकते हैं। अच्छे से अब मिक्स कर देंगे सबको। मैंने यहाँ आइसक्रीम मोल्ड लिया है, इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, मोल्ड में मैंने यहाँ डाल लिया है। अब इसे रख देंगे ओवरनाइट के लिए। आप इसे यूजन थ्रो, जो ग्लास आते हैं हमारे, उसमें भी बना सकते हैं। ओवरनाइट के लिए मैं इसे रख देती हूँ।
इस तरह से आप एक ही सिरप से बहुत सारे फ्लेवर से टैंगी बार बना सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर से बच्चों के लिए। बहुत ही जल्दी बनती है ये, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।